वर्ष 1975 से अब तक इसरो ने कई मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं और सभी मिशन सफल रहे हैं। कई उपलब्धियों और कड़ी मेहनत के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2021 साल में शुरू कर रही है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रू मॉड्यूल एक स्पेस व्हीकल मॉड्यूल है जिसे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रू मॉड्यूल में संचार उपकरण और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश के लिए उपकरण जैसी सुविधाएं हैं। इसे कमांड मॉड्यूल भी कहा जाता है। क्रू मॉड्यूल को ऑर्बिटल मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच रखा जाता है। ये तीन मॉड्यूल हर मानवयुक्त मिशन अंतरिक्ष यान में प्रमुख घटक हैं जो कक्षीय सम्मिलन से लैंडिंग तक उड़ान के प्रत्येक चरण के लिए प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष यान का ऑर्बिटल मॉड्यूल शौचालय और पानी, खाद्य आपूर्ति सहित क्रू के लिए महत्वपूर्ण जीवन समर्थन प्रणालियों को वहन करता है। क्रू ऑर्बिटल मॉड्यूल का उपयोग जीवित स्थान के रूप में करता है जबकि वे अंतरिक्ष में होते हैं। इसमें बड़ी वैन के रूप में लगभग कमरे की जगह होती है। सर्विस मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कहा जाता है। यह मॉड्यूल अंतरिक्ष यान के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बैटरी, सोलर पैनल और स्टीयरिंग इंजन का घर है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन रूस में पंख लगाएगा। इसरो क्रू मॉड्यूल का डिजाइन कुछ हद तक रूसी क्रू मॉड्यूल के रूप में होगा। क्रू मॉड्यूल जो कि इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है अधिकतम 3 से 4 क्रू ले जाएगा। साथ ही इस अंतरिक्ष कैप्सूल का कुल द्रव्यमान 3,745 किलोग्राम है। क्रू मॉड्यूल की ऊंचाई 2.3 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। क्रू को लॉन्च और लैंडिंग के लिए क्रू मॉड्यूल में पृथक किया गया है। कैप्सूल का शरीर निकल मिश्र धातु के दाद के साथ कवर शीशे रेशा इंसुलेशन में लिपित टाइटेनियम से बना है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु संरचना का उपयोग कैप्सूल के फ्रेम को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है और संरचना कैप्सूल को अतिरिक्त ताकत देता है। क्रू कैप्सूल की खिड़कियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री एल्यूमिनियम ऑक्सीनिट्राइड से बनाई गई है जो वास्तव में पारदर्शी सिरेमिक है जिसका उपयोग हम चीजों को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए करते हैं। क्रू कैप्सूल पर हीट शील्ड एक ठोस सिलिका फोम से बनाया जाता है जो ज्यादातर हवा होता है और इसकी बहुत कम तापीय चालकता होती है। हीट शील्ड क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी के वातावरण में जलने से बचाता है। क्रू मॉड्यूल अपनी हीट शील्ड से अलग हो जाता है जिसका उपयोग पुनः प्रवेश प्रक्रिया के दौरान वाहन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जबकि तापमान अंतरिक्ष में भिन्न होता है, घंटी के आकार का क्रू मॉड्यूल इंसुलेशन सामग्री की 8 परतों के कंबल के साथ संरक्षित होता है। प्रत्येक सुनहरी पनी की कई परत और एक बाहरी माइक्रोमटेरियल परत से ढका होता है। मिशन की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्री को क्रू मॉड्यूल में बिठाया जाता है जहां क्रू मॉड्यूल को रॉकेट के अंतिम चरण में रखा जाता है। लॉन्च के बाद जब सभी चरण अलग होते हैं तब अंतिम चरण की सहायता से क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में जाता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सोलर पैनल तैनात किए जाते हैं। क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में घूमता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। कार्य पूरा करने के बाद क्रू मॉड्यूल अलग हो जाता है और वापस धरती पर आ जाता है और सुरक्षित रूप से क्रू को वापस लौट आता है जो मिशन को पूरा करता है।